हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ तो देखिए उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये पैरेट ग्रीन कलर और स्काई ब्लू कलर वो ले लिया है और दस नंबर की क्रशिया तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं इनका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है यही मैं आपको इस साइड बना के दिखाऊंगी तोरण को हमें टू पार्ट में बनाना है इस तरह से देखिए हम तोरण पट्टी को रख लेंगे दो पार्ट में एक तरफ हम एक पार्ट बनाएंगे और एक तरफ हम दूसरे पार्ट अगर हम ये लाइन लाइन में काउंट कर रहे हैं जैसे एक दो तीन चार इस तरह से तो ये मेरा टोटल सिक्सटी टू लाइन है जिसमें से तीस लाइन में मैं एक पार्ट बनाऊंगी और तीस लाइन में एक पार्ट और एक लाइन इस साइड से और एक लाइन इस साइड से दो लाइन हम स्किप कर देंगे और तीस तीस लाइन में हम एक एक पार्ट ऐसे बनाएंगे ये अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है इस तरह से और फिर यहाँ से देखिए फर्स्ट लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से हमें काउंट करना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह नंबर लाइन में ये जो हमने चैन का बॉक्स बनाया है बॉर्डर वहीं पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है इसके बाद हमें आठ चैन बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए हमने आठ चैन बना लिया अब एक लाइन हमें स्किप करके दूसरी लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से देखिए और फिर हमें एक दो तीन तीन चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से इसे ऐसे बंद करना है और फिर टर्न कर लेना है ऐसे और फिर हमें इसमें देखिए ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन चार पाँच इसी तरह से हमें ये टोटल सोलह डबल क्रोशिया ये देखिए हमें पंद्रह डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये तीन चैन के साथ यहाँ पे इसे बंद किया था एक उसे हम काउंट कर लेंगे तो ये टोटल हमें सोलह डबल क्रोशिया बना लेना है हमने ये सोलह डबल क्रोशिया बना लिया अब यहाँ पे हमें जहाँ पे हमने इसे देखिए ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाले बॉक्स में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है फिर एक दो तीन तीन चैन बना के फिर नेक्स्ट बॉक्स में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है और फिर हमें टर्न कर लेना है हमने दो चैन लिया है इसे हमने तीन चैन जो हमने लेकर यहाँ पर ज्वाइन किया इसे हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है एक दो फिर नेक्स्ट के ऊपर एक फिर उसके बगल वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार इसी तरह से देखिए हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार फिर एक बार फिर दो बार इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार फिर नेक्स्ट के ऊपर दो बार इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से मैंने ये दूसरी लाइन बना लिया दूसरी लाइन में मैंने ये पच्चीस डबल क्रोशिया बनाया है अब देखिए यहाँ पे इसे हमें ज्वाइन कर देना है जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके जस्ट बगल वाले बॉक्स में अब यहाँ पे एक चैन बना के हमें वूल को कट कर देना कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है अब इसे देखिए हम इस तरफ से ज्वाइन करेंगे इधर देखिए कॉर्नर तरफ से हमें नहीं ज्वाइन करना है इस तरफ से ज्वाइन करना है ताकि ये जो हम पैटर्न जो बना रहे हैं इसकी डिज़ाइन एकदम सीधा सीधा आए ये देखिए अब हमें यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लेना है इस तरह से जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था उसके जस्ट बगल वाले लाइन में अब यहाँ से हमें टर्न करना है और फिर देखिए इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए एक में दो बार करना है जैसे हम आपको ये दूसरी लाइन बना के दिखाएं सेम उसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन भी बनाना है फिर देखिए एक में एक बार फिर एक में दो बार फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया, एक दो फिर एक के ऊपर एक बार फिर दो बार फिर एक बार इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया फिर एक बार फिर दो बार इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है वैसे हमने ये तीसरी लाइन बना लिया तीसरी लाइन में हमने ये थर्टी सिक्स डबल क्रोशिया बनाया है अब यहाँ पे देखिए इसे हमें ज्वाइंट कर देना है इसके बाद फिर एक दो तीन तीन चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हमें बंद करना है और फिर हमें टर्न कर लेना है और फिर देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है नीचे वाली लाइन में इसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है जो हमने लाइन बनाया है नीचे जो डबल क्रोशिया ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें चौथी लाइन में एक एक बार डबल क्रोशिया ऐसे करते जाना है ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से हमने ये चौथी लाइन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा बना लिया है अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से ये जो भी हम वूल कट कर रहे हैं इसे हम बाद में सेट कर देंगे अच्छे से वैसे रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है और फिर देखिए यहाँ पे इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है अब जैसे मैंने आपको ये ब्लू कलर का दो लाइन बना के दिखाया है सेम उसी तरह से हमें रेड कलर से भी दो लाइन बना लेनी है ये देखिए ऐसे टर्न करना है और फिर, फिर फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें दो बार डबल क्रोशिया करना है एक दो फिर सेकेंड डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार फिर थर्ड के ऊपर दो बार एक दो फिर फोर्थ के ऊपर एक बार फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर दो बार एक दो फिर उसके नेक्स्ट के ऊपर एक बार इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है मैंने ये पांचवी लाइन बना लिया अब यहाँ पे इसे हमें ज्वाइंट कर देना है फिर एक दो तीन तीन चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से इसे ज्वाइंट करना है इसके बाद देखिए हमें टर्न कर लेना है और फिर ये जो हमने क्रुशिया बनाए हैं ऐसे ही हर एक डबल क्रशिया के हमें ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रुशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है देखिए छठवीं लाइन में हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरह से हमने ये पैटर्न ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर एक चैन बनाकर कर वूल को कट कर देना है इस तरह से अब देखिए जैसे मैंने आपको ये दो दो लाइन का ये छह लाइन बना के दिखाया अब देखिए ऐसे ही हमें फिर सातवीं लाइन में फिर से ऐसे ही पैरेट ग्रीन कलर का वूल जॉइन कर लेना है फिर ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए एक लाइन पैरेट ग्रीन से बनाना है फिर दूसरे लाइन में एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार फिर एक बार फिर दो बार फिर एक बार फिर, एक बार, फिर, एक बार, फिर दो बार इसी तरह से हमें दो लाइन पैरेट ग्रीन का बना लेना है जैसे मैंने आपको ये दो दो लाइन बना के दिखाया है तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पैरेट ग्रीन से दो लाइन बनाकर फिर दिखाती इस तरीके से मैंने आपको बताया था उसी तरीके से मैंने ये दो लाइन बना के कम्प्लीट कर लिया यहाँ फर्स्ट लाइन में हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक फिर दो फिर एक इस तरह से मैंने ये पेरेट ग्रीन कलर से दो लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया ये टोटल हमारा ये आठ लाइन बन के रेडी हो गया है अब यहाँ पे देखिए मैंने ये स्काई ब्लू कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है अब इसे हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है ये देखिए यहाँ पे दूसरे चैन के बॉक्स में हमें इसे ज्वाइन करना है अब आठ चैन हमें बना लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए हमने आठ चैन बना लिया देखिए पांच डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पाँच छोड़ के छठवें डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चैन फिर से हम ऐसे ही पाँच डबल क्रोशिया छोड़ के छठवें डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है फिर ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ चैन फिर ऐसे पांच डबल क्रोशिया स्किप करना है छठवें डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है उसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया अब यहाँ पे देखिए हमें आठ चैन लेकर ये तोरण पट्टी के लाइन में हमें ज्वाइंट कर देना है इसके बाद फिर एक दो तीन तीन चैन लेकर नेक्स्ट लाइन में ज्वाइन करना है यहाँ पर अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें फिर से इसे टर्न करना है और फिर हमें एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चैन बनाना है और फिर ये देखिए जो हमने ये आठ चैन बनाया है इसके बीच में इसे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फिर आठ चैन फिर नेक्स्ट चैन के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फिर आठ चैन फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये दो लाइन बना के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये टोटल चार लाइन बना लेना है जैसे मैंने आपको ये दो लाइन बना के दिखाया सेम इसी तरह से मैं आपको चार लाइन पूरा बना के फिर दिखाया एम उसी प्रोसेस से मैंने एक दो तीन चार चार लाइन ऐसे ही चैन का बना लिया अब यहाँ पे एक चैन बनाकर हमें ऊल को कट कर देना है देखिए इस तरह से ये रेड कलर का ऊल नॉट लगा कर ले लिया है अब यहाँ पे देखिए हमें ये एक लाइन लास्ट में छोड़ के यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर देखिए हमें ये जो हमने ये चैन बनाया है इसमें हमें चौदह डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तीरह और एक ये चौदह ये देखिए हमने ये चौदह डबल क्रोशिया बना लिया अब यहाँ पे देखिए दूसरे चैन के बॉक्स में इसे हमें बीच में इस तरह से ज्वाइंट कर देना है ये देखिए इस तरह से अब फिर दूसरे बॉक्स में तीसरे नंबर बॉक्स में हमें फिर से ऐसे ही चौदह डबल क्रोशिया बनाना है एक में देखिए हमने ये चौदह डबल क्रोशिया बनाया दूसरे में हमने इसे ज्वाइंट किया सिंगल क्रोशिया से और फिर हमें तीसरे में फिर से ऐसे चौदह डबल क्रोशिया बनाना है एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह ये देखिए हमने फिर से ऐसे चौदह डबल क्रोशिया बना लिया फिर नेक्स्ट चैन के बॉक्स में इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे चौदह डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है इसी प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना लिया और यहाँ लास्ट में मैंने इसे ज्वाइंट करके वूल को कट कर लिया ये टोटल हमारा नौ ऐसे पैटर्न बन के आया है दोनों पैटर्न बन के रेडी हो गया है अब बीच में देखिए हमें चैन के साथ झालर लगाना है दो झालर तो चलिए मैं आपको झालर लगाना बताती हूँ स्काई ब्लू कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है अब ये जो बीच में हमारा दो बॉक्स बचा है इसी बॉक्स में हमें इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताइस अट्ठाईस उनतीस तीस ऐसे इस तरह से तीस चैन हमें बना लेना है और फिर देखिए इस तरह से हमें रख देना है ये देखिए इसकी लंबाई इतनी आई है अब हमें इसमें देखिए झालर लगाना है तो उसके लिए हमें अब झालर बना लेना है तो देखिए इस तरह से हमें पैरेट ग्रीन कलर का वूल लेकर ऐसे ही टू फिंगर के ऊपर इतना लंबा हमें इस तरह से ऐसे लपेट लेना है इसे आप जितना मोटा या पतला लगाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से भी इसे ऐसे टू फिंगर के ऊपर इसे लपेट सकते हैं इसके बाद देखिए मैं फिंगर से ऐसे बाहर करके ले लेना है और फिर ये जो हमने बनाया है चैन इसी चैन में इस तरह से बराबर करके ऐसे ही देखिए अब हमें इस ऊल को इतना कट कर लेना है और फिर इसी ऊल से हमें दो तीन बार इसमें नॉट बांध देना है जिससे ये खुले नहीं अच्छे से टाइट हो के फिक्स हो जाए नॉट यहाँ पे देखिए ऐसे टाइट नॉट हमें दो तीन बार लगा लेने हैं इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा उल है इसे हमें कट कर देना है और फिर देखिए एक हमें और पैरेट ग्रीन कलर का उल कट करके ले लेना है छोटा सा और फिर हमें इस तरह से देखिए ये झालर को ऐसे पकड़ के ऐसे दो तीन राउंड लपेटते हुए हमें यहाँ पे भी ऐसे ही नॉट बांध लेना है दो तीन बार इस तरीके से और फिर देखिए बीच से हमें सारे वूल को कट कर देना है ये देखिए इस तरह से छोटा है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है ये देखिए इस तरह से अब जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें एक झालर और यहीं पे लगा लेना है उसी प्रोसेस से मैंने ये दो झालर लगा लिया है और ये हमारा तोरण बन के रेडी हो गया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय